morning children. Today you know what I am going to tell you all and what I am to show you all. ये क्या दिख रहा है आपको? ये क्या है? मिट्टी है ना? Yes, ये खाद वाली मिट्टी है. And now I'll quickly tell you all ये मिट्टी खाद वाली कैसे बनी है. Okay, now ये क्या है? ये आपकी मम्मी ने सुबह सब्जी काटी होगी. Onions, lemon, पोटैटो, बनाना. ये क्या है? कद्दू. ओके, कद्दू किसको अच्छा लगता है? एंड ऑल द अदर वेजिटेबल्स एवरी डे वी विल नॉट थ्रो इट इन द डस्टबिन. वी विल जस्ट कट इट लाइक दिस. एंड प्लीज आप मत काटिएगा, मम्मी की हेल्प लीजिएगा. ये एक्चुअली बेसिकली लॉकडाउन के टाइम में मम्मी पापा के लिए बहुत अच्छा है कि घर की खाद खुद बनाओ, से कि बाहर तो जा नहीं पा रहे हैं. जस्ट छोटे छोटे बिट्स एंड पीसेस में इसको काट लीजिए, वरना खाद ज़्यादा टाइम लेगी. टुडे आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आज मेरी खाद पूरी बन गई. आई टेल यू कैसे पता चलता है. ओके, नाउ व्हाट यू डू, एक बड़ा सा ऐसा कोई भी टूटी हुई बाल्टी आपकी हो सकती है बाथरूम की, वो ले लीजिएगा. नीचे आपको होल्स करना ज़रूरी है. फिर एक लेयर नॉर्मल कोई भी मिट्टी डाल दीजिए. ओके, एंड फिर आप एवरी डे ऐसे जितना आपके किचन का वेस्ट है उस मिट्टी पर डालते रहिएगा. जब ज़्यादा मिट्टी हो जाए तो फिर एक लेयर इसकी डाल दीजिएगा, नॉर्मल मिट्टी की. ओके, एंड ढाक के रखिएगा. एक किसी कपड़े से या किसी कवर से ज़रूर ढाक के रखिएगा, बिकॉज इसमें से स्मेल आ सकती है एंड पानी भी जा सकता है. तो इस तरह हम किसी हैवी चीज़ के साथ ऐसे करके रख सकते हैं. ये सब चीज़ें प्लीज़ आप मत टच कीजिएगा चिल्ड्रन. दिस इज़ बेसिकली पेरेंट्स की हेल्प करने के लिए. नाउ व्हेन डू वी कम टू नो कि खाद तैयार हो गई है. नाउ हम लोग जब बीच में खोते रहेंगे, कहीं कोई सब्जी का तो हिस्सा दिख ही नहीं रहा है. Where have all the vegetables and the fruits gone? Where have they gone? They have all turned into manure, मतलब खाद. ये देखिए, ये पत्थर बन गया है एंड इसको तोड़ने से ये पूरी खाद है. ये देख रहे हैं, isn't it magic? Is it? अगर आप अंडा खाते हैं तो अंडे का शेल्स भी हम आपको दिखाएंगे, छोटा छोटा इसमें है, उसको भी क्रश करके यू कैन जस्ट ऐड इट. एंड दिस जितनी, ये देखिए आसानी से टूट गया है. ये जो पत्थर बन गए हैं, ये देख रहे हैं आप, ये खाद बन गई है. ये देखिए सब मिट्टी में मिल गया है. यू जस्ट हैव टू डू दिस. एंड ये पत्थर एक्चुअली नहीं है, ये खाद बन गई है. जितने ये वेजिटेबल के पील्स थे, फ्रूट के पील्स थे, देखिए अब कुछ नहीं दिख रहा है. ये सब इसमें मिलके इस तरह की खाद बन जाती है. वे यू हैव टू ब्रेक इट. ये देखिए पत्थर लग रहा है बट ये पत्थर नहीं है, ये खाद है. ये देखिए इतने आसानी से टूट गई. जस्ट देखिए, एक महीने की ये मेहनत थी. ये एक महीना मैंने वेजिटेबल्स एंड ऑल इसमें डाला एंड बीच बीच में आई यूज़ टू जस्ट डू इट लाइक दिस. एंड टुडे व्हेन आई ओपेंड आफ्टर 3-4 days आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज अब हमको कहीं ना वेजिटेबल्स दिख रहा है ना फ्रूट दिख रहा है. एंड जैसे ये पत्थर ऐसे करके दिख जाते हैं, पता चल जाता है कि ये सब, ये थोड़ा हार्ड है तो जस्ट ब्रेक इट एंड देयर ब्रेक्स. इसके अंदर जितनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स थे वो सब पत्थर ऐसे बन गए. एंड आज आपका होमवर्क ये है, आप मम्मी पापा से पूछिएगा कि इन द टेल ऑफ रामायण कौन पत्थर बन गया था. एक लेडी थी जो पत्थर बन गई थी. दिस इज द होमवर्क दैट दिस स्टोरी टुडे मम्मी पापा विल टेल इन द नाइट. इन द रामायण, ओह आई वाज सो हैप्पी सीइंग दिस. देखो ये खाद है, ये खाद है. एंड ये ब्रेक करते ही काला पूरा इसमें न्यूट्रिशन. तो आपको ज़रूरत होती है टॉनिक्स, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन. एंड इन द सेम वे इवन दीज प्लांट्स, दे ऑल नीड दीज न्यूट्रिएंट्स, पोटेशियम जो कि केले के छिलके से आ रहा है,
यू पुट कैल्शियम, वे यू कैन पुट ऑल दीज फ्रूट्स जो आता है, यू पुट इन उसके पील्स, उससे आता है। देन जानते हैं आपके अगर दादी माँ या नानी माँ के बाल झड़ रहे हैं, एंड वो भी जो बाल झड़ते हैं वो कंघी में करके ऐसे आ जाते हैं, डोंट थ्रो इट दैट ऑल्सो, जस्ट पुट इट इन द प्लांट, उससे नाइट्रोजन मिलता है। ओके, सो एवरी थिंग इज गिविंग एंड दिस इज ऑल बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, सो ऑल दिस डोंट थिंक इट टू बी कचरा, प्लीज मेक मेन्योर आउट ऑफ इट एंड यू विल गेट नाइस सॉइल। एंड देन इस तरह देखिए आपका वेजिटेबल फ्लावर्स उधर उधर जो सब वो ये सब इस तरह इतने अच्छे से होगा, एंड यू डोंट इवन हैव टू स्पेंड मनी, यू आर मेकिंग योर ओन खाद मेन्योर एट होम, इज इन दैट लवली। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू।